एवरीवन, मैं हूं लवी और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं घूमने नेदरलैंड्स के एक छोटे से टाउन में डेल्फ्ट, जो कि बहुत ही पास है डेन हैग के, एंड इट्स हिस्टोरिक टाउन। यहाँ पर बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आज एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग कैनाल के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं, तो देख भी सकते हैं आप, हमारे पीछे एक बोट आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है और यहाँ बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। और हमारे पीछे एक इधर भी बोट है, आप देखेंगे ये खड़ी है, बोट है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक चर्च, तो हम लोग वहाँ पे अभी फॉलो करते हुए जाते हैं इस कैनाल को और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वही देखेंगे। अभी हम हैं चर्च के पास, जो कि दिख भी रहा होगा, अभी हम वहीं जाने का सोच रहे हैं। अभी चर्च के पास से जाएंगे और वहां से देखेंगे। बताते हैं कि ये चर्च जो है यहां पे अराउंड 500 ईयर्स पुराना है, और वही हम देखने आए हैं कि इतना पुराना और इतनी पुरानी बिल्डिंग, तो वही देखने चलते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है ये, जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल कैनाल्स के साइड में ही पूरे घर बने हुए हैं, और मतलब पानी में घर है। और कितना अच्छा व्यू आता हो, कितनी अच्छी फीलिंग कि हम विंडो ओपन कर रहे हैं तो सामने जस्ट पानी दिख रहा है। अभी हम खड़े हैं डेल्फ्ट के सेंट्रल स्क्वायर में, यहाँ इस जगह को बोलते हैं सेंट्रल स्क्वायर। और ये जो डेल्फ्ट है मेनली चीज़ के लिए, बियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे क्या है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, और इन लोगों ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है यहाँ के सभी टाउन्स की, सिटीज़ की। तो दिखाते हैं आपको क्लोज़अप चीज़ के, कैसे चीज़ के पैकेट्स और चीज़ के बॉल्स होते हैं यहाँ पर। एक ये टावर है जो कि बोलते हैं वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट बेल टावर है ये, और हम यहीं पे हैं। बड़ा हैपनिंग सा प्लेस है, म्यूज़िक चल रहा है, लोग मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर। बहुत टाइम बाद इतनी भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। इनकी लोकल मार्केट लगी हुई है, जैसे हमारे इंडिया में लोकल मार्केट लगती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यहाँ के फ्लावर्स, जैसे अभी ट्यूलिप का सीज़न चल रहा है,
तो वही सब यहाँ पे ये लोग फार्मर्स लोग हैं, बेसिकली ये टाउन है तो फार्मर्स लोग हैं, अपनी लैंड है, अपना हार्वेस्टिंग करते हैं और यहाँ पे लाके वो लोग अपना सेल करते हैं, तो लोकल मार्केट लगी हुई है। तो अभी हमने लिया है फ्राइज विद मियोनिश, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, थोड़ा गर्म भी है, ये इजीली हर जगह पे मिल जाता है और मेरा फेवरेट है। आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम से स्ट्रॉलर कैप कैसे आ गई, अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि अभी स्नोफॉल ही ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम लोग घूम रहे हैं कैनाल के साइड में और जैसे वाटर के साइड में घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उससे, तो क्योंकि पानी की वजह से बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और अभी शलभ के हाथ निकालते ही जम रहे हैं पॉकेट से बाहर, मैंने फिर भी निकाले हुए हैं। आप कुछ बोलोगे? काफ़ी ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा है। हाँ सच में बिल्कुल, बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि गाल मतलब खींचे गए हैं ठंड में, जस्ट लाइक कि बोल रहे हैं तो पता नहीं क्या ही, बोला नहीं जा रहा, खींचा खींचा लग रहा है। बट सिटी बहुत अच्छी है, हम लोगों को अच्छा लगा, डे वेल स्पेंड कह सकते हैं। एंड जैसे अभी लवी का आइडिया था तो क्रेडिट गोज़ टू लवी, थैंक यू थैंक यू। हम लोगों ने नाइट में ऐसे प्लान बनाया था कि हम साइकिलिंग करते हुए आएंगे, बट एक्चुअली साइकिलिंग तो नहीं बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, फिर हमें फील हुआ कि इतनी ठंड में नहीं कर पाएंगे साइकिलिंग, तो बट प्लान ड्रॉप नहीं किया हमने, हम लोग आ गए। तो अब आने के बाद लग रहा है कि अच्छा किया आ गए, अच्छा फील हो रहा है। कुछ बाहर निकले, वैसे बाहर तो जा नहीं सकते, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो ये हमारी सिटी के पास ही था, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हम लोगों ने आए तो मन भी चेंज हुआ थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है एकदम से, हम दोनों बिल्कुल पैक हो गए हैं और लवी को कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो बताना आप लोग कमेंट करके आपको डेल्फ कैसा लगा। फील्स लाइक -10 या एग्जैक्टली। ओके देन, सी यू एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय।